सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने जो है क्लासी रूम पर स्वागत है और आज हम आ चुके हैं हेयर कटिंग की वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं फेदर हेयर कट। तो फेदर हेयर कट कैसे करना है उसका बहुत ही सिंपल तरीका इस वीडियो में शेयर है। सो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक शेयर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। करेंगे यहाँ से टू फिंगर की गैपिंग रखेंगे, लाइन क्लियर करेंगे और फिर इधर से भी वही चीज़ करना है, लाइन ऐसे क्लियर करना है और इस तरह से सेक्शन डिवाइड कर लेना है। ये सेक्शन डिवाइड हो गया, इसको भी सिक्योर करके रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये लेंथ है, ठीक है, तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, यानी कि थ्री पार्ट में हमारे हेयर कट हो रहे हैं, बैक साइड के और ये हमारा फ्रंट पे टू है ही। ठीक है, अब उसके बाद से हम इस पर देखेंगे कि हमको कितना शॉर्ट करना है या लॉन्ग रखना है। तो आप लोगों को पता ही है कि हमें शॉर्ट नहीं करना है, बस लॉन्ग ही रखना है, हल्के सी ट्रिमिंग देनी है इसमें। ठीक है, तो जितने रफ हेयर हैं उसको पहले निकालेंगे। तो पहले स्ट्रेट कट करेंगे और स्ट्रेट कट करने के लिए सिर को डाउन कर लेंगे। ठीक है, डाउन करके अच्छी तरह से इसे कॉम कर लेंगे ऐसे। ठीक, ये कॉम किए, फिंगर में इसको होल्ड किए ऐसे और बस इतना सा ट्रिमिंग कर देंगे। ठीक, होल्ड करके ये कट किया तो ये जितने रफ हेयर थे ये निकल चुके हैं। ठीक, ये स्ट्रेट हो गया। अब इसके बाद इसमें लेयरिंग क्रिएट करना है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये हेयर लेने हैं यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और इसको लेके जाना है राइट से लेफ्ट साइड, और जो हमारी गाइडलाइन है उसी से मर्ज करना है फिंगर में होल्ड करके और उसको कट कर लेना है। ये कटिंग हो गई, ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारे सेक्शन को कट करना है और बहुत मोटा सेक्शन नहीं लेना है, पतला पतला ही सेक्शन लेना है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे लिए, सिर को सीधा रखना है, फॉर्म करते हुए राइट वाले हेयर को लेके जा रहे हैं किधर, लेफ्ट, फिंगर को ऐसे रखना है ऐसे और इस तरह से धीरे धीरे मूव करते हुए आना है और ऐसे सीधा रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आउट कॉर्नर से कट करके शुरू कट करना शुरू करना है और इन तक आना है, लॉन्ग टू शॉर्ट की तरफ कट करना है ऐसे। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे लेयर आ रहे हैं, क्लियर है, तो वाला सेक्शन बचा हुआ है जो ईयर के पास का था। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से उसको भी कट करेंगे ऐसे लिया और ये कट कर लिए। ठीक, और ये सारे लेयर आ गए, क्लियर है। अब यही टेक्निक इस साइड भी, ठीक है ना, ये लिया होल्ड किया और ये कट। ठीक, क्या कॉम करते हुए आ गए इधर, क्लियर हो रहा ना, अब हो जाएगा। क्या हुआ, जैसे हाफ हाफ कर लेना है, हाफ आपका राइट का है और हाफ लेफ्ट साइड का है। ठीक है, तो ये राइट साइड हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए ये हमारा गाइडलाइन है और इसी से मर्ज करके हमें कट करना है, तो ये ले रहे हैं ऐसे और फिर इसको ले ले रहे हैं अपनी गाइडलाइन। ठीक है,
लॉन्ग टू शॉर्ट की तरह। इसमें शॉर्ट कौन सा हेयर हो रहा है, टॉप एरिया का हेयर शॉर्ट हो रहा है या फिर ईयर के पास का हेयर शॉर्ट हो रहा है, कौन सा हेयर? ईयर के पास हेयर शॉर्ट हो रहा है? नहीं नहीं, टॉप एरिया का हेयर, ये टॉप का है ना, तो ये शॉर्ट हो रहा है और ये लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लॉन्ग टू शॉर्ट कट करना है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लेना है, कॉम करना है। ये निकल चुका है गाइडलाइन और ये एक्स्ट्रा हेयर है, इसको ट्रिम कर देना है। ये हमारा सेकेंड सेक्शन है, इसको दो भागों में डिवाइड किए हैं, राइट और लेफ्ट को अलग अलग कर दिए हैं और फिर एक साइड की कटिंग करेंगे, राइट की करेंगे फिर लेफ्ट की करेंगे, कट कर लें। ठीक है, ऐसा भी चाहेंगे ना समय बचाने के लिए, जल्दी हाँ, तो ऐसा करने से हेयर शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है और हमें हेयर शॉर्ट नहीं करना है, इसलिए पतला पतला सेक्शन लेंगे। ठीक है, जब पतला सेक्शन लेंगे तो हेयर शॉर्ट नहीं होगा। ऐसे लिए, आगे बढ़ गए, कॉम किए और होल्ड किए, कट किए। ठीक, अब ये लास्ट वाला सेक्शन लेकर आ रहे हैं और इसको भी सेम प्रोसेस से कट कर रहे हैं। ऐसे कॉम को आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे रखेंगे और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, ये होल्ड किए फिंगर में और गाइडलाइन से मार्च करके लॉन्ग टू शॉर्ट की तरफ ये कट कर लेंगे। क्लियर, सेक्शन है और सेम प्रोसेस से कट करेंगे। अब यहाँ से हम लेके जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, सिर को आप सीधा रखें, बिल्कुल सीधा। जब आप लोग कटिंग करते हैं ना तो ये ध्यान रखना है ना, सिर को बिल्कुल सीधा ही रखना है। अगर कॉम करते करते क्लाइंट का सिर इधर उधर हो जा रहा है तो फिर उसको बार बार आप ठीक करते रहिए, नहीं तो कटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो चाहिए वो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा। बैक साइड से जब कट करते हैं तो सिर को डाउन इसलिए करते हैं कि जब सिर को डाउन करेंगे तो नीचे साइड के हेयर जो होते हैं, जो ऊपर के हैं, ऊपर सर के लिए और नीचे के हेयर जो है लॉन्ग दिखने लगते हैं। तो कभी भी जब मान लीजिए आप सीधे सीधे कट कर लें, ऐसे ऐसे सीधा सीधा आपने कट कर दिया इसको ऐसे और ये सीधा हो गया, जब ये सिर को डाउन करके कोई काम करेंगे तो ऊपर वाले हेयर ऊपर आ जाएंगे और नीचे के नीचे ही रहेंगे, तो वो सीधा कट नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए डाउन करते हैं, प्रोसेस से कट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट का सेक्शन ये है, तो यहाँ से हेयर को डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे और लेके आ जाएंगे। सिर्फ लास्ट चाहिए तो यहाँ से लिए, इसको भी पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इस तरह से लेना है, ऐसे ऐसे लेना है, हेयर को एक साथ ले लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सेक्शन बना के हमारी कटिंग हो चुकी, अब सारे हेयर को एक साथ लेंगे, वन लेंथ करेंगे वन साइड का। इसको लेके जाएंगे 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे लॉन्ग टू शॉर्ट की तरफ। ठीक, अब इसको टेक्सचराइज कर, ऐसे टेक्सचराइज कर लेंगे। अब ये वन साइड का वर्क कंप्लीट हो गया, सेकेंड साइड भी हमें सेम ही वर्क करना है, सारे हेयर को लेके जाना है 90 डिग्री पे और टेक्सचराइज कर देना है। साइड से हमको ले लेना है
और इसको भी लेके जाना है लेफ्ट से राइट साइड कॉम करते हुए, यहाँ से ऐसे लेके आना है। और ये हमारी गाइडलाइन मिल चुकी है और इसको कट कर ले रहे हैं यहाँ से, इसको लेंगे यहाँ से कॉम करेंगे और जो हमारी गाइडलाइन है इसके साथ मार्च करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे और ये स्ट्रायर है इसको कट कर लेंगे। क्लियर। अब ये सेक्शन थोड़ा थोड़ा करके सेक्शन कट हो चुके हैं। अब इसको सारे हेयर को एक साथ लेना है, जैसे हम लोग राइट साइड के हेयर को वन लेंथ किए हैं वैसे लेफ्ट साइड के हेयर को वन लेंथ करेंगे। कॉम करते हुए ऐसे अब यहाँ पे होल्ड करेंगे, ये होल्ड किया लॉन्ग टू शॉर्ट के तरफ और इसको भी टेक्सचराइज कर लेंगे। क्लियर है ना। यहाँ पे सीधा सीधा कट भी कर सकते हैं लेकिन टेक्सचराइज हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि बिल्कुल नेचुरल शेड आए। अब ये कटिंग हो चुकी है और देखिए कितनी खूबसूरत लेयरिंग आ रही है। क्लियर है।